शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे कहाँ है किशन भैया, दरवाजा बंद करके छुपने से कोई फायदा नहीं, हमारा नाटक की ऐसी की तैसी कर दी है। क्या बात है, शोर का ही मचा थी। अरे शोर नहीं मचाए तो क्या करें, हम कोई खेत के मजदूर है, अरे हम तो आज उनकी खोपड़ी तोड़ डाले। चुप रहे, एक तो धोखा देके घर के पैसे ले गए, ऊपर से चिल्लाया। अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करें, सीधी रीत से पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए तो हम धोखा दे के पैसे ले गए। और हम कह देते हैं आज दोनों भाइयों के बीच में मत आना, हमारे महाभारत हो ही करेगी आज। क्या बकवास करता है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? नहीं है। नहीं है तो निकल जा। निकल जा? हाँ हाँ निकल जा। तुम कह रही हो? हाँ हम कहते हैं। ठीक है हम निकल जाएंगे, हम इस घर में कभी नहीं आएंगे, हम कहते हैं हम कभी नहीं आएंगे इस घर में। अबे वही जगन के बच्चे, बोलो किशन भैया। क्या बात, शंभू को काहे खराब कर रहा है रे, नाटक के बहाने पैसे बटोरता है का? तुम्हारे भैया को मैं खराब करता? वो हमेशा खुद मेरे पास चला आता, कहता रहता नाटक कर नाटक कर नाटक कर। का ये भी कहत है कि शराब पिला शराब पिला शराब पिला? तुम्हारे भैया तो जैसे दूध पीता बच्चा है ना, जिसे मैं बोतल से शराब पिला रहा। ज्यादा बदमाशी ना कर, तेरा घर हमारे पास गिरवी पड़ा है, घर से बेघर कर देंगे, गाँव से निकाल देंगे, समझे? बदमाश कहीं का पड़ा आया घर से बेघर करने वाला साला, बहुत देखे तुम जैसे। हम तो कहते हैं समूह ने जो कुछ भी किया जगन के बहकाने से किया है। जगन के बहकाने से ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, गाय के नाम घर से पैसे ले गया, फिर भी शंभू अच्छा। ये कहा क्या तुमने? जो वो चाहत रही। देखो जी बात को धुएं में मत उड़ाओ, हम साफ समझे। क्या समझे? तो ये कि तुम जमीन तो दिला दोगे पर उनसे संभाली जाएगी नहीं, वो सस्ते में बेच देंगी और तुम खरीद लोगे। ऐसा थोड़ा ही कहा हमने। कहा तो नहीं पर तुम्हारे मन में जो है ना खूब जानते। हाँ हाँ बहुत समझदार हो, और हम जमीन लेंगे भी तो मुफ्त में थोड़े ही लेंगे, रोकड़ा दही के लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, पंचों में भगवान बसत है, हमने जो कहा ठीक वही बात है ना। और हाँ वो शंभू ने जगन को जो धान दिया था ना वो बात भी वहां नहीं कहना, शंभू की भी तो कोई इज्जत है। न्याय सब जगह औरत के मर्जी से नहीं होते, और हम कोई औरत के गुलाम तो नहीं जो जो उसके हिसाब से ही सब फैसला करें। हम पंचायत के मुखिया हैं, जो सबको सही लगे वही फैसला करेंगे। तो फिर पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो इन औरतों की शिकायत है कि आप सब भी तो जानत हो। बिल्कुल भाइयों, ये गरीब मजबूर औरतें हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ दो देवरों को छोड़कर, और देवरों ने तो जमीन का बंटवारा कर ही लिया है। हमारा राय ये है कि एक एक देवर एक एक भौजाई की देखभाल करे। अरे नहीं नहीं, हमको हमारी जमीन चाहिए। हाँ जमीन। अरे क्यों भाई, राम रतन शिव रतन, तुम्हें ये फैसला मंजूर है? हाँ हमें ये फैसला मंजूर है, हम इनकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। अरे आया बड़ा देखभाल करने वाला, खाना नहीं दिया तो हमका भूखा मार दिया था। नहीं नहीं, हम पंचों के सामने कसम खा के कहा था हम इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमको ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं बोलते हैं। पंचों ने अपना फैसला दे दिया है। अरे सत्यानाश हो इन पंचों का, हम नहीं मानते इस पंचायत को, बाहर में जाइए पंचायत, चल बहना। और हम कह देते हैं किशन तेरा भी सत्यानाश हो, तेरा आंगन सुना का सुना रहे, तेरे आंगन में कौवे बोले, हम ब्राह्मण है तुम्हें साफ देते हैं। हाँ और देखो सुबह जो हम आशीर्वाद दिए थे ना कि नन्ना मुन्ना खेले, अब कोई नन्ना मुन्ना नहीं खेलेगा। हाँ कह देते हैं तेरा कभी भला नहीं होगा, होगा। और कुछ काम काज है? और भी तो एक शिकायत थी जगन के खिलाफ। हाँ शिकायत तो थी। नहीं हमार कोनो शिकायत नहीं, शंभू और हम अलग थोड़े ही हैं। शंभू ने धान दिया और हमने दिया। बोल काम क्या है? अरे भैया न जाने तूने किशन भैया पर क्या जादू कर दिया है कि भैया ने पंचायत के सामने मेरे सारे दान का दाम माफ कर दिया। तू हम दोनों भाइयों को समझता क्या है जगन के बच्चे,
हमारे भैया तो बहुत बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, तुझसे भी बड़े हैं, पूरे गांव से बड़े हैं और अपने दिल से भी बड़े हैं। समझे या और समझाओ? नहीं भैया, बिल्कुल समझ गया, 100% समझ गया। देख एक बात बोल देते, तुम्हारा हाँ। काम तो हो गया, हमारा काम कब होगा? वो भी हो गया भैया। अच्छा हाँ। अरे ये बात हुई ना जगन। लेकिन यार उसके लिए थोड़े से पैसों की जरूरत है। क्यों? अरे वो नाते के लिए डरस चाहिए ना। अरे कौन डरे? हीरो कभी नहीं डरे। अरे मेरे बाप डरे नहीं, डरस डरस। तू राम बनेगा ना, तेरे लिए डरस चाहिए। जो सीता बनेगा उसके लिए है? सीता कौन बनेगा? सीता, चल सीता ना बनेगा। सीता तुम ना ही बनेगा। क्यों? तुम लंबू है, जमेगा नहीं। तो फिर कौन बनेगा? सीता हम तुलसी को बनाएंगे। तुलसी बन जाएगी? हम बनाएंगे। तो फिर मैं क्या बनूंगा? रावण। रावण? अच्छा तो हनुमान कौन बनेगा? मुत्तू। अरे इसके पीछे पूछी लगाए दो, बिल्कुल हनुमान का अवतार लगे। अयो एकदम मजा। पैसे कितने चाहिए? कम से कम 600। अभी ठहरो, हम बंदोबस्त करके आते हैं। क्या बात कर रहे? अरे रुपया कोई झाड़ पर उगत है का? झाड़ पर उगत है का? अब हमार गैया भी आका से ना आई है, वही खातिर तोरा से 1000 रुपए मांगत है। हाँ हजार रुपया मांगत है। सुन, हमरे घर में बस गिने चुने 3 ही आदमी है, कोई ज्यादा दूध भी नहीं चाहिए। अच्छा ही चाहिए। तू ऐसा कर, अब गैया ले ही आया है तो बांध दे अंदर, 650 ले ले। 650 ले ले। 650? 650 में तो हमारे गैया के गले के घंटियों ना मिले है। ओकरा काम दरभंगा भेज दी ना, तो हमरा के 1200 रुपए मिल जाए। 1200? हाँ 1200 रुपए तो भेज दे ना दरभंगा। हमरे यहाँ काहे को लाया है? सुन, 750 ले ले। हाँ 750 ले ले। अबे तू भैया एक मिनट, का है? हमका पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो अंदर से ले। ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए? हाँ। अरे आदत खराब हो जाएगी। अच्छा जा 5-10 रुपया शांति से ले। हाँ, हमका 600 रुपया चाहिए। 600? अरे मार डालेगा का? 600 काहे चाहिए? नाटक का वास्ता। नाटक? अरे घर में कुछ कम नाटक करत है का, जो बाहर जाके नाटक करेगा? जा रुपया उपया कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग जा। हाँ भैया। हाँ। का कहत है तू? अब हम कहा बताई किशन भैया, तू खरीदने की बात करो, खरीदने की। देख हाँ। आखिरी बात कह दे। अच्छा 700 देंगे? 700? किशन भैया एक काम कर, 700 रुपये में बकरी खरीद ला। राम राम, चल रे को पलवा। अबे ओए बकरी के बच्चे, हम हैं जो 700 देते हैं। गैया लिए? अरे ओ बबुआ, अरे एक पल सुनो तो सही। अब कहा सुनो? कौन बात सुनने की है तो सुनी ना। अरे बात सुनने की है। हा? देखो हमारे जो भैया है ना, वो बहुत झक्की आदमी है। जहाँ अड़ गए वहाँ अड़ गए। अच्छा? तुम जो मांग रहे हो ना वो मिलेगा। तुम यहाँ ठहरो, हम भैया को पटा कर आते हैं। अच्छा। यही ठहरो। जय बम भोलेनाथ, बम काली कलकत्ते वाली। ई लो भैया, संभालो अपनी गाय, ले आया हूँ। अरे तू ले आया? कैसे नहीं आया रे? ये तो हमार कमाल है, 25 रुपए ज्यादा दिए सिर्फ। अरे जल्दी से पैसे दे दो, कहीं ससुरा पलटी ना खा जाए। हाँ। देखा शंभू कैसे पता लाया, कितने काम का आदमी है, तुम तो हर घर डांटते ही रहते हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम अब ही लावत हैं। अंदर से गिन के आ रहे हैं, देखना यहाँ फिर से गिनेंगे। चुप। हाँ ले, 25 रुपया कम कराए लेना। अच्छा जा ये संभालो। अब खड़ी काहे को है, जाए के पूजा का सामान लिया। का भैल शंभू भैया, रुपया ले आए ना? हाँ भैया से जाए के ले लो। अच्छा तू ठहर, चल रुपया ले आए। अरे इतवरिया दाना तो ले आ। लिया हुआ था भैया जी, हम जाए का? ला। आ जाओ। ला। का हो? किशन गैया कितने में लिए हैं? 700 में। 700 में? अरे हमारे जमाने में तो 200 का मिलत रहा, तू दूध देते हो कि नहीं? इला एक खियावा था पहले, धरा जाओ। ये भैया जी अब जाए के? हम जाए का? अरे कह तो दिया ना एक बार के जाओ। तो हमारा रुपया तो दे दो। अरे अब का है का रुपया? कैया के? अरे वो तो शंभू को दे दिए पूरे 700। 700? शंभू हमारा के कोई रुपया बना दे लग, हमरा के तो 1000 रुपया चाहिए, नहीं तुम गैया लेके जाई थी। चल रे को बलवा, चल। अरे दाना खिलाया उसके 2 रुपये तो दे के जा। अरे एक किशन गैया तो ले गए। देखा ना शंभू की हरकत। अरे ये तो बहुत खराब बात है, बहुत। और तारीफ करो, बहुत तारीफ कर रही थी शंभू की, धोखा दे के घर के पूरे 750 रुपये ले गए। हम भी देखेंगे कैसे करता है वो नाटक।
अरे कहाँ है किशन भैया, दरवाजा बंद करके छुपने से कोई फायदा नहीं, हमारा नाटक की ऐसी की तैसी कर दी है। क्या बात है, शोर का मचावा तू? अरे शोर नहीं मचाए तो क्या करें, हम कोई खेत के मजदूर है, अरे हम तो आज उनकी खोपड़ी तोड़ डाले। चुप रहे, एक तो धोखा देके घर के पैसे लगे, ऊपर से चिल्लाया। अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करें, सीधी रीत से पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए तो हम धोखा देके पैसे ले गए। और हम कह देते हैं आज दोनों भाइयों के बीच में मत आना, हमार महाभारत हो ही करेगी आज। क्या बकवास करता है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? नहीं है। नहीं है तो निकल जा। निकल जा? हाँ हाँ निकल जा। तुम कह रही हो? हाँ हम कहते हैं। ठीक है हम निकल जाएंगे, हम इस घर में कभी नहीं आएंगे, हम कहते हैं हम कभी नहीं आएंगे इस घर में। अरे वही जगन के बच्चे, बोलो किशन भैया क्या बात? शंभू को काहे खराब कर रहा है रे, नाटक के बहाने पैसे बटोरता है। कहा तुम्हारे भैया को मैं खराब करता? वो हमेशा खुद मेरे पास चला आता, कहता रहता नाटक कर नाटक कर नाटक कर। का ये भी कहत है कि शराब पिला शराब पिला शराब पिला? तुम्हारे भैया तो जैसे दूध पीता बच्चा है ना, जिसे मैं बोतल से शराब पिला रहा। ज्यादा बदमाशी ना कर, तेरा घर हमारे पास गिरवी पड़ा है, घर से बेघर कर देंगे, गाँव से निकाल देंगे, समझे? बदमाश कहीं का पड़ा आया घर से बेघर करने वाला साला, बहुत देखे तुम जैसे। हम तो कहते हैं शंभू ने जो कुछ भी किया जगन के बहकाने से किया है। जगन के बहकाने से ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, गाय के नाम घर से पैसे ले गया, फिर भी शंभू अच्छा है। बात करत है मार ना घर ना बार, भैया से बढ़कर दुश्मन नहीं, भैया से बढ़कर दोस्त नहीं, हमारे तो इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ क्या बात करता है, क्या मैं तेरा कुछ नहीं, मैं तेरा भाई नहीं हूँ क्या? आज से तू हमार भाई, तेरा घर हमार घर है। अब गाय का घर यार, तेरे भाई की नजर तो मेरे घर पर भी है। जैसे तुझे निकाल दिया ना घर से, वैसे एक दिन वो हम सबको भी निकाल देगा। कैसे घर से निकाल देगा, क्यों घर से निकाल देगा? अरे भाई मैंने अपने हाथों से खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपनी नाटक कंपनी के लिए अपने घर को गिरवी रख के तेरे भाई से ब्याज पर पैसे लिए थे। लेकिन सच कहता हूँ शंभू, जितना लिया था उससे दुगना अदा कर चुका हूँ। तू कहता है तो सच ही कहता होगा। बिल्कुल, लेकिन जरा सोच, अगर हम सबको उसने बेघर कर दिया तो बेचारी तुलसी का क्या होगा रे? तुलसी? अरे तुलसी को कौन निकालेगा, जरा हम भी तो देखें। अरे यार भड़कता काहे को है? तो वो कागज है यार। कौन सा कागज? वही मेरे मकान का कागज। अगर वही कागज तेरे भैया के कब्जे से निकल कर तेरे पास आ जाए ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं। आ जाएंगे, हम लाएंगे। और वो कागज हमारे पास क्यों रहेंगे, वो कागज तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन यार वो कागज तो लाएगा कैसे? Thank you.
अरे इतनी रात में देवर आगे आगे और भौजाई पीछे पीछे, कुछ समझे? हाँ समझी, लागत है दाल में कुछ काला है, चल देखें। अरे छोड़, ऐसन को का देखें, चल। हाँ चल। देखने वालों की आंखें नहीं फूट गई। बड़ी बहू, चुप। बड़ी बहू मर गई, तेरी बड़ी बहू घर का कागज चुरा के उस कमीने को दे रहा था, घर उठा है। देखने में रुई और चुभने में सुई, क्या तेज है आंखों में, बिल्कुल दुर्गा का रूप धारण किया हुआ हो। हाँ हाँ, तेरा जैसे रास्ते सामने आएगा तो दुर्गा बन के दिखाई दूंगी। याद रख, जब तक हम जिंदा है घर बर्बाद नहीं होने देंगे। बड़ी सती सवित्री और घर की मालकिन बनी हो। अरे बेचारे शंभू को कोलू के बैल की तरह खेत में जोते हुए मेहनत बेचारे की और कब्जा तुम्हारा, वाह घर में आधा ऐसा तो शंभू का भी है, बांट के उसे दे दिया। कमीने शैतान, तू शंभू के मन में जहर बो रहा है। अरे तू उसका जितना भला चाहता है ना, हम खूब जाने थे, दफा हो जा। चाहती कि नहीं? देख लूंगा, देख लूंगा। नास्तिके हम बोलती हो, ऐसा कभी हुआ है कि हमें खिलाए बिना तू खा ले? हम खाए ना ही खाए तुझे का, जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ माँ जी की दी हुई सारी जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। अब लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, ये सब हमारा दोष है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, गलती तो हमारी है, दोषी तो हम है, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। हम काहे की लक्ष्मी, मां नहीं बन पाई, सोचा था इस दुख को तो हर लोगों के प्यार में भुला देंगे, पर ऐसे मत भाग करो। बड़ी बहू हमें मार, जूते से मार, लेकिन ऐसा मत बोलो। तू जब नाराज हो जाती है ना तो हमें ऐसे लगता है हमारा भगवान नाराज हो गया है, तो हर सिवाय इस दुनिया में हमार है ही कौन? काहे नहीं, वो जगन है ना, तो है जगन, वही तो तुम्हारा भगवान है। आज तो उसके कहने पर घर का कागज उठा के दे रहा था, कल उस नाथ पिता के कहने पर हमको उठा के दे देना। नहीं नहीं बड़ी बहू ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, जगन के बच्चे से हम कभी बात नहीं करेंगे, ये शराब है ना, ये हमारी जिंदगी का दुश्मन है, इसे पी के ना जाने हमें क्या हो जाता है। बड़ी बहू हम तुम्हें छूकर कसम खाते हैं, आज के बाद हम कभी शराब नहीं पियेंगे। कसम तो तू कितने बार खा चुका, इस बार अगर हम कसम तोड़ दिया ना तो हमारा मरा मुंह देखना। शंभु, शंभु, ऐसे अशुभ बात न कहना। नहीं नहीं हम सच बोलत हैं, हम इस जगन के साथ कभी नहीं जाएंगे। तेरा शंभु है ना, इसका दिल भोला है, लेकिन आज के बाद उसे कोई नहीं बहका सकता, कोई नहीं। हाँ